अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जनाब फिदा हुसैन खोसो साहब से, और उनसे जानेंगे, जो कि इस वक्त बड़े ज़बरदस्त और दबंग अफसर हैं और एक्टिव हैं इस वक्त फील्ड में, और काफ़ी हद तक जो है वो नज़र आती हैं कार्रवाइयाँ फूड अथॉरिटी की और मुज़र सेहत जो अशिया हैं खाने की या जो भी इनकी जो प्रीमिसेस में चीज़ें आती हैं उस पर जो है वो कार्रवाइयाँ करते नज़र आते हैं। वहीं पर कुछ फूड अथॉरिटी के हवाले से कुछ शिकायत भी मौसूल होती हैं, तो दोनों सूरतों में बात करेंगे, इनकी कार्रवाइयों पर भी बात करेंगे, इनकी खिदमात पर भी बात करेंगे और जो शिकायत हैं उस पर भी बात करेंगे। तो आपकी मुलाकात कराते हैं फिदा हुसैन खोसो साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव नज़र आती है जब से आपने चार्ज संभाला है, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे खबरें मिल रही होती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी टीम काम कर रही होती है और काफ़ी हद तक जो है वो आप जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा सा पहले इस बारे में बताएँ, फिर मेरे पास आपके लिए कुछ शिकायत हैं, फिर हम उस पर बात करें। देखें, फूड अथॉरिटी वैसे तो ओवरऑल अक्रॉस सिंध काम कर रही है, कराची से लेकर कश्मीर तक हमारा एक नेटवर्क है फूड अथॉरिटी का जो काम कर रहा है, लेकिन हैदराबाद में हमारा हम अलर्ट हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं जो भी मुज़र सेहत चीज़ें हैं, और जहां भी हमें पता चलता है या कोई शिकायत आती है तो हमारा एक रैपिड रिस्पांस होता है उस पर। जो भी शिकायत आती है हम जल्दी से उनका जो इंस्पेक्शन करते हैं, और बंदा भी खुश हो जाता है जिसकी कंप्लेन होती है, और रेस्टोरेंट वाला हो या कोई भी चीज़ जो है जैसे डेयरी है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो रिस्पांस होता है वो बड़ा तेज़ होता है। हैदराबाद में हमने ये किया है कि जितना जल्दी हम रिस्पांस करेंगे उतना एतमाद बढ़ेगा, तो हम उस हवाले से हैदराबाद में आपने देखा कि हमने दूध का एक बहुत बड़ा टैंकर भी डिस्कार्ड किए थे दो चार, और हाल ही में हालानाका पे और यहाँ बदीन स्टॉप पे भी की थी हमने कार्रवाई, इस तरह से खुले ऑयल पे कार्रवाई की हमने, और रिसेंटली एक बीमार चिकन का एक बहुत बड़ा ट्रक दो जा रहे थे, हमने उनको भी ज़िबा करके डिस्कार्ड करवा दिया। इस तरह की ज़्यादातर मुज़र सेहत चीज़ें जो हमारी नज़रों से गुज़रती है तो हम उनको स्पेयर नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो फूड अथॉरिटी है इसकी प्रीमिसिस में जो इसकी बायलॉज है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसको किस तरह से जो है आप कॉर्डन ऑफ करते हैं, तो वो थोड़ा सा बताएं ताकि नाज़रीन को ये भी आगाही हो कि फूड अथॉरिटी का बेसिकली काम क्या क्या होता है और उसकी क्या 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 प्रीमिसेस होती हैं। सर, जो भी फूड आप खाते हैं जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारी प्रीमिसेस में आता है, हम उस पर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, जो भी हो, मतलब पका हुआ खाना भी हो, हाँ जिस तरह का भी हो हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम उसको पेनलाइज कर सकते हैं, हम उसको अपने लाइसेंस के सर्किल में ला सकते हैं। अच्छा, देखें शिकायत ये मिलती हैं सर कि अब आ जाते हैं, आपने बता दिया कि शिकायत ये मिलती हैं कि बहुत सी जगहों पर लोगों का कहना है, दुकानदारों का या ताजिरों का कहना है कि भाई फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो आके बिला वजह उन्हें परेशान करती है, उनके पास चीज़ें सही है और बिला वजह जो है ना उनसे जो है पैसे भी वसूल किए जाते हैं। समटाइम जो है वो ऐसी तरह की भी शिकायत है कि भाई कोई काम कहा जाता है कि आप ये करें नहीं तो अदरवाइज़ आपके ऊपर जो है ना चालान कर दिया जाएगा और आपके पास से मुज़र सेहत चीज़ें बता दी जाएंगी, तो ऐसी सूरत हाल में जो इस तरह की शिकायत मौसूल होती हैं तो उसको कवर करने के लिए उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए ना, हम इस चीज़ को भी बड़े क्लोजली देख रहे हैं कि इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए, ये एक किसी भी डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी पर्सनालिटी के लिए ये बेहतर नहीं है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक दुकानदारों की या किसी और की आप शिकायत की बात कर रहे हैं, तो जिसको पेनलाइज़ करेंगे वो शिकायत ही करेगा, वो ये कहेगा कि मैं तो भाई अभी अभी जो है मैंने इतना बड़ा सेटअप बनाया, ये किया, लेकिन हमारी जो नज़र है वो दूसरी चीज़ों पर होती है, हम जो देखते हैं वो दूसरी चीज़ें देखते हैं, हम उनके नाखून देखते हैं, हम जब वो किचन में होते हैं तो उन्होंने हाथ में कुछ पहना हुआ तो नहीं है, लॉकेट तो नहीं पहना हुआ, हेयर नेट तो पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, दस्ताने पहने हुए कि नहीं पहने हुए, तो हमारी जो SOPs हैं वो अलग हैं। उन वो क्या करते हैं कि हम एक कल्चर जो बना हुआ है उसी कल्चर को वो एडाप्ट करके कहते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, हम तो बरसों से कर रहे हैं। बरसों की कहानी नहीं है, हमारी जो फूड अथॉरिटी की SOPs हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी,
अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनको पेनलाइज़ करते हैं, अगर पेनलाइज़ करते हैं तो फिर चलाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो जो गलत कर रहे हैं उस पर ही पेनलाइज़ होता है ज़्यादातर। और जो बहुत सारी ऐसी भी शिकायत देखने में आई है कि सर कि कुछ जगहों पर जो है वो बाकायदा SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, लेकिन वहाँ पे जो है वो यही इतलात मिलती है कि जी फूड अथॉरिटी की टीम ने जो है वहाँ से लेन देन कर ली है और जो है इस वजह से उनको छूट मिली हुई है। तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स अभी भी हैदराबाद में मौजूद हैं जहाँ पर जो आप SOPs बता रहे हैं वो फॉलो नहीं होती, तो ऐसों के लिए फिर आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन चीज़ों को हमारे सामने डिस्क्लोज़ करें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। हर जगह हम भी नहीं पहुंच सकते, कोशिश करते हैं पहुंचने की, लेकिन अगर आप या हमारी जो हैदराबाद की आवाम है हमें शिकायत करेंगी तो ये बेहतर होगा हमारे लिए और एक इजी होगा वहाँ पर पहुंचने के लिए। एक चीज़ और बताएं, क्योंकि आपका जो ऑफ़िस है ये कासमाबाद के अंदर एक बहुत अंदर गली में है और उसको ढूंढना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसानी से बंदा यहाँ नहीं पहुंच सकता, इजी नहीं है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा आपने मुरतब किया हुआ है निज़ाम, कोई ऑनलाइन निज़ाम या कोई फ़ोन नंबर हो, ऐसी कोई चीज़ जो आप देना चाहें जिस पर पब्लिक जो है वो अपनी शिकायत जो है ना आप तक आसानी से पहुँचा सके? रमज़ान में हमने बैनर लगवाए थे पूरे हैदराबाद में और उन पर नंबर भी दिया हुआ है हमने, PTCL का जो सरकारी नंबर है कि शिकायत इस नंबर पर आप दर्ज करवाएँ। अगर अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है तो हम इससे बढ़कर और अवेयरनेस देंगे लोगों को ताकि वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। और आपके चैनल भी हैं, आप क्योंकि लोकल हैदराबाद का चैनल है तो आप भी हमारे लिए थोड़ा काम करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, हम आपको इस तरह की चीज़ें मटेरियल फराहम करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि शिकायत कैसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदाउस हुसैन खोसो साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, फूड अथॉरिटी की जो ये चीज़ें होती हैं और अगर आपके इर्द गिर्द अगर आपको लगता है कि कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी दुकानदार अगर जो है वो मुजर सेहत अशिया फरोख्त कर रहा है या फिर जो है वो हिफ़ान सेहत के असूलों को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप जो है वो मैं नंबर इसमें बायो में दे दूँगा वीडियो में, आप जो है वो उससे रबता कर सकते हैं फूड अथॉरिटी की टीम से और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सेहत जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर चीज़ें जो है वो सेहत के साथ और सेहत बख्श चीज़ें मिलेंगी तो हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, हमारा माशरा सेहतमंद होगा, अदरवाइज़ जो सूरत हाल हमारे साथ है, अस्पताल भरे हुए हैं और जो है वो बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल से जो है हमें सामना करना पड़ता करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये था आज का हवाल फिदा हुसैन खोसो साहब की मुलाकात का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।